आजाद मुर्शिदाबाद के पास जो आजाद द्वारी है उसको हम लोग घूमने जा रहे हैं। बस चार आदमी जा रहे हैं, चार दोस्तों, मैं, मेरा भाई आयन और रकी प्रो और बाबू सोना। तो अभी बाबू सोना के घर पे आ गया क्योंकि हम लोग तो सब टाइम पे टाइम आ चुके पर बाबू सोना ने नहीं आया, तो इसलिए बाबू सोना के पास आ गए। और इधर हमारा हेलमेट लगेज वगैरह वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस थोड़ी चीज़ लिया है और इधर ये सब लेकर हम लोग चले जाएंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं मुर्शिदाबाद कर रहे हैं। चलो रात में तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा तो इसलिए दिन में वीडियो करता हूँ। जाते जाते थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था तो इसलिए चाय पी लिए और अभी चाय पीना ख़त्म हो गया और अभी इधर से हम लोग निकल जाएंगे। और इधर भाई सब है, सब रेडी हो रहा है फिर से निकलने के लिए। और इधर से निकल के बाईपास मार के तो सीधा कृष्णनगर पहुंच जाएंगे। दत्तपुलिया होकर, उधर से हाथखली होकर, बोगोला होकर हम लोग कृष्णनगर चले जाएंगे और उधर से सीधा रास्ता तक मुर्शिदाबाद के हजारद्वारी पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इधर से निकल चुके हैं और अभी भी चंदा मामा भी ऊपर दिख रहा है और पीछे रफीक भैया जल्द आ जाएंगे। और हमने तो घर से टैंकी फुल करके निकले थे इसलिए पंप पे अभी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह शायद पंप खुला नहीं होगा, इसलिए हमने टैंकी फुल करवा के निकल पड़े। तो बस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। तो गाइस हम लोग घर से 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और सूरज भी उठ चुके हैं और रास्ता भी पूरे क्लियर है। तो हम लोग रास्ते पे ही है और इधर से 30 या 50 किलोमीटर जाकर एक ढाबे पे या चाय के दुकान पे रुकेंगे, उधर थोड़ा नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़ेंगे हमारे गंतव्य स्थल पर। तो चलो, और क्यूट से एक कुत्ता भी इधर आ चुके हैं और उसके पप्पे भी आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये बच्चा है। जो चीज देख रहे हैं ये जो नदी है, इस नदी का नाम है चलंगी नदी। लगता तो नहीं है कि इस नदी पे जोर भाटा होता है। और ये नेशनल हाईवे 34 है। रुकिन भैया बहुत ही अच्छे से चल रहा है और बाबू भैया भी वीडियो कर रहा है, बाबू भैया भी फॉर्म में, ऐसा लग रहा है आज बाबू भैया तूफान कर देगा, वो आज तो तूफान ही कर देंगे। We'll be right back.
कर दिया। और इस रास्ते पे कोई स्पीड लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, स्पीड लिमिट है तो है, 80 तक स्पीड लिमिट है। और सभी तो जोर जोर से शोर मचा के जा रहा है। अभी हमारा बाबू भैया, बाबू भाई हमारे भैया तो सबसे लंबा हो चुका है, और लोकी भाई सबसे देख सकते हो कोई बात नहीं। इधर हम लोग थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय पियेंगे और थोड़ा बातचीत करेंगे, घर पे कॉल करके बोल देंगे कि हम लोग इधर है, जिसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे और मोटर ब्लॉग पर देखते रहेंगे। जैसे दिख रहा है ये देख सकते हो कितने अच्छे लग रहा है। ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। और इधर घोड़ा के गाड़ी में भी है और ये पास से रिवर क्रॉस कर रहा है। तो गाइस इधर एक अंकल था, उससे पूछा, ये एक मस्जिद है और उसके उधर इस बार फेरी घाट से होकर नाव पे जाना पड़ेगा, ये गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। और उधर जो सिराउद्दौला था उसको समाधि जो दिया गया मरने के बाद जो समाधि दिया गया वो उधर दिया गया, तो उधर भी चलेंगे हम लोग। और इधर एक मंदिर है जिसपे माँ का दीप दिया हुआ था, अब वो उधर है, उधर भी जाएंगे। और उधर मेन हजरतद्वारी है तो उस पर भी जाएंगे। और सिराउद्दौला जिस युद्ध में मारे गए थे लास्ट, वो पलाशी था, उस पलाशी पे हम जाएंगे। वो हम पीछे रखे आए हैं और उसमें हम जाने के समय उस पर जाएंगे। और ये गाइस जो है ये सब अब थोड़ा बातचीत कर रहा है कि कितना थकान हुआ है। तो रोशिद भाई आप क्या बोलते हो, और रोहन भाई आप क्या बोलते हो, और तुम क्या बोलते हो? हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं बताऊँगा अभी, नहीं बताऊँगा। तो थोड़ा चाय पी के नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर से। और इधर घूमने घूमने एक अंकल आ गया जो खजूर का रस होता है, डेट ट्री, तो उस खजूर का रस हम सब ने एक गिलास ले लिया 10 रुपया लेकर। ये 10 रुपया से स्टार्ट होती है ये जो खजूर का रस है। भैया जरा इसको पकड़ो। इधर परिवेश भी साफ सुथरा है तो इसलिए गिलास को हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, एक डस्टबिन में फेंक देंगे। और खजूर का रस पीकर देखते हैं कि कैसा लगता है। पियर और आशा खजूर रस अच्छा ही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा वक्त हो चुका है, थोड़ा टाइम गुजर चुका है, ओरिजिनल है। हम पहले भी जब छोटे थे तब बहुत पीते थे ये जो रस। अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं, रूम भी ले लिया एक दिन के लिए। कल सुबह 8:30 पर ये रूम छोड़ देना होगा। और आज हम इधर थोड़ा मौज मस्ती तो करेंगे। और इधर थोड़ा फ्रेश होकर रूम पे ये जो साउंड वगैरह वगैरह है सब कुछ रख के हेलमेट लेकर स्पॉट पे फिर से बाइक लेकर चले जाएंगे, जाकर थोड़ा घूमेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है उसके पास उधर, क्या क्या है। तो एक एक करके सब फ्रेश होगा और मैं थोड़ा बैठ के आराम करूंगा, 30 मिनट के बाद या 1 घंटे बाद इधर से फिर निकल जाऊंगा। तो बाय।